अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, स्टडी विद यासर के साथ मैं हूं आपका टीचर यासर। जी फ्रेंड, आज का हमारा सेकंड लेक्चर है जिस आज हम सेल इनवाइस बनाना सीखेंगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सिखाया था और उससे रिलेटेड है ये भी। तो अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग डिस्काउंट कैसे निकालेंगे और परसेंटेज कैसे अप्लाई करेंगे, वही चीज़ें वही फार्मूले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बड़े डेटा के अंदर हम उनको ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने ये शीट कुछ बना के रखी हुई ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और इसमें मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देखिए, डेटा सीरियल नंबर है, कस्टमर है, आइटम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, अमाउंट है, डिस्काउंट है, और यहाँ पे है डिस्काउंट अमाउंट। अब यहाँ पे हुआ हुआ क्या है, डिस्काउंट अमाउंट में हमारा हमारा जो जो डेटा है वो हाइड हुआ हुआ है, एन का एन के कॉलम में जो डिस्काउंट अमाउंट का डेटा है वो हाइड हुआ हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट का डेटा वो भी हाइड हुआ हुआ है। जब मैं टाइप कर रहा था तो ये डेटा बड़ा बड़ा था तो ये हाइड हो रहा था, इसलिए मैंने इसको अभी यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया। ये मैं आपके सामने एडजस्ट करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने कॉलम में टेक्स्ट को एडजस्ट कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके तरीके पहले आप यहाँ पर क्लिक करें एम के ऊपर, आप यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में क्लिक करेंगे, जितना आपका टैक्स की विद होगी वो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करें, इस पर टू सेंटर में क्लिक करें, उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करके हल्का सा इसको मूव कीजिए और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने शुरू हो जाएगा। जितना आपको इसको विद बढ़ानी है आपने अपने कॉलम की, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करके इसको भी आप यहाँ से कर लीजिए, तो ये हमारे आपका एडजस्ट हो गया सारे के आपके सारे कॉलम में। अब आपको क्या करना है, हम लोग सेल इनवाइस बना रहे हैं, जैसे आपके पास कंप्यूटर की शॉप है, आपने सीरियल नंबर आपका, आपके कस्टमर नेम, आपके आइटम है, या आप आइटम सेल करते हैं, या आपने क्वांटिटी सेल की है, ये प्राइस है आपके, एक रैम की प्राइस आ रहे हैं यहाँ पे, अमाउंट आपका किस तरीके से कैलकुलेट होगा ये भी मैं आपको बताऊँगा सब चीज़ें, डिस्काउंट और डिस्काउंट अमाउंट, टोटल अमाउंट, पेमेंट और बैलेंस। चलिए काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने से पहले जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, सबसे पहले हमें करना क्या है, कस्टमर के नाम लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने अली, राहुल, यहाँ पे हम लोगों ने कस्टमर के नाम ऐड कर दिए, फरहान, असद, क्या फरहान असद हो गया यहाँ पे, और इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सनी और अजय ऐड कर देंगे, और इस तरीके से हम लोगों ने नुमान ऐड कर दिया और बिलाल हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हमारे कस्टमर के नाम है। तो अब हमें क्या करना है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट पूरी इनवाइसेज यहाँ बनी हुई है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपने कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से इस पे क्लिक करना है क्वांटिटी के ऊपर। जैसे आप क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे आपके पास फिर वही वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। वाइब्रेशन स्टार्ट होने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है प्राइस के साथ, ठीक है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई प्राइस करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा। तो इसी तरीके से जैसे अमाउंट यहाँ पे आया, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये G9 और K9 क्या है, सेल एड्रेस है। यहाँ पे क्लिक करें, इसको ड्रैग करें यहाँ से, उसको ड्रॉप करेंगे तो आपका टोटल इंटर करेंगे आप यहाँ पे, आपका अमाउंट जो है आंसर आ जाएगा, अमाउंट निकल आया। आपने यहाँ से इसको इस बटन पे आना है, आपका ब्लैक हो गया कर्सर, आपने इसको पिक किया और पुल करके ड्रैग कर देंगे डाउन, तो सारे आपके आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। जी फ्रेंड, हम लोगों ने अब अप्लाई करना है यहाँ पे डिस्काउंट। डिस्काउंट अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 10% डिस्काउंट अप्लाई करना है, मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा और शिप के साथ मैं यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, मैं जैसे शिप के साथ परसेंटेज पे क्लिक करूंगा तो परसेंटेज अप्लाई हो जाती है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से इसे ड्रैग एंड डाउन कर दें, ड्रैग करेंगे तो जितनी सारी वैल्यू आपने जो लिखी है वो ऑटोमेटिकली सब डिस्काउंट अप्लाई होगा। डिफरेंट परसेंटेज दे सकते हैं आप, 10%, 5, 2, 3, व्हाटएवर आप कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्काउंट अमाउंट निकालना है। डिस्काउंट अमाउंट जैसे यहाँ पे अमाउंट में से हमें 10% कितना बनेगा वो हमने कैलकुलेट करना है डिस्काउंट अमाउंट में। तो आपको सबसे पहले इक्वल लगाना है, इक्वल टाइप करना है,
यहाँ पे अमाउंट पे आप क्लिक करेंगे और आप मल्टीप्लाई का साइन देंगे यहाँ से कीबोर्ड से, और डिस्काउंट पे क्लिक कर देंगे और इंटर कर देंगे। इसी तरीके से आपका डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। आपने इसको ड्रैग करना है, अगेन आपका सारा जो डिस्काउंट है, जो जो वैल्यू है आपका अमाउंट बने, आपके सारे डिफरेंट डिस्काउंट यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट आ गए हैं। इसी तरीके से आपने टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? सिंपल है कि आपने अमाउंट में से माइनस करना है डिस्काउंट अमाउंट को। तो आपने इसको माइनस करना है और आप इसको यहाँ पे प्रेस कर दें, इंटर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, टोटल अमाउंट आपका निकल आएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पे से क्लिक किया और इसको ड्रैग एंड डाउन कर दीजिएगा। ड्रैग करेंगे तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे। अब ऐसा है कि बिल आपका ये बन रहा है पेमेंट। अब ऐसा भी है कि आपका जो पेमेंट है कस्टमर की, अब कितनी दी है, टोटल अमाउंट अमाउंट ये ये बन बन रहा रहा है। है। अब बास कस्टमर आपको पूरा बिल पे करके जा रहे हैं, इनका बैलेंस नहीं है यहाँ पे। तो बैलेंस के लिए मैं एक फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ पहले से ही यहाँ पे, जैसे इज इक्वल टू, ठीक है, इस वैल्यू में से माइनस करना है मुझे इस वैल्यू को, ठीक है, जो पेमेंट करेंगे वो ये वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो मैं इंटर करूँगा यहाँ पे, अभी तो ज़्यादा कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही, अभी मैं इसको ड्रैग करूँगा और ये देखें, ठीक है, अभी मैंने ड्रैग कर दिया। मैं जो यहाँ पे, यहाँ भी आंसर आया, इसको भी ड्रैग करूँगा, सॉरी वहाँ पे मैंने किया, यहाँ से फार्मूला मैंने यहाँ लगाया था। अब जो अमाउंट कस्टमर का बनता है, पे करेगा, वो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे वो डिटेक्ट होके आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब उसने 18 उसका 1800 उसका अमाउंट बना था, अगर वो 1800 पे करता है तो ज़्यादा बैलेंस ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा उसका। और इसी तरीके से अगर वो कोई दूसरा अमाउंट पे करता है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए। अब इज इक्वल टू यहाँ पे आए, अब पेमेंट उसने कितनी की, बस आपने यहाँ पेमेंट लिखनी है, जैसे आपने पेमेंट लिखनी है, फर्ज करें यहाँ वहाँ यहाँ पे 1500 ये दे रहा है, वहाँ पेमेंट बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे वो कितनी दे रहा है पेमेंट, उसके 5400 हैं, वो यहाँ पे 4000 दे रहा है, तो वो यहाँ से 4000 दे रहा है, और ये कस्टमर, और यहाँ पे ये कितने दे रहा है, इसने पूरे वैल्यू दे दिए 6750, इसने पूरी पेमेंट कर दी है। इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे इसने इसका 16200 रुपया बिल बनता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसने तकरीबन 12000 दे दिया। 12000 देख के हम लोग इंटर करेंगे यहाँ से, तो इसका वो आ जाएगा बिल सारा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते नीचे, इसका कितना बना, इसने पूरी पेमेंट कर दी अपनी 4500, इंटर किया हम लोगों ने, वापस यहाँ पे आते हैं 60000, ये 60000 ये तकरीबन यहाँ से 40000 दे रहा है हमारे पास बैलेंस, यहाँ पे इसका इतना आ जाएगा। और 27 यहाँ पे इसने पूरी पेमेंट कर दी, तो तो यहाँ यहाँ पे पे ये ये जीरो आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास बैलेंस शीट, एक सेल इनवाइस बनी है हमारे पास, इसको आप सिलेक्ट करें यहाँ पे, इसको सेंटर करें यहाँ पे, और यहाँ सेंटर करने के बाद इसमें हम लोगों ने बॉर्डर अप्लाई करना है, ठीक है, इसका नाम लिखें, टॉपिक का नाम क्या है, सेल इनवाइस, कुछ तो कॉलम वहाँ से छोड़ दीजिए, तो यहाँ से छोड़ दीजिए, सेंटर में एक नाम हेडिंग दे दें इसका, मर्ज करें, इस पर कलर अप्लाई कर दें, बॉर्डर दे दें, टॉपिक का नाम हमारे क्या था, सेल इनवाइस। ये बिल्कुल बेसिक शीटें हैं, आप इनको ज़रा इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्लियर हर चीज़ क्लियर हो जाए। बाहर क्लिक करें, एक दफ़ा अंदर क्लिक करेंगे, इसका इसके जो नाम है हेडिंग, इसको बढ़ा लीजिए। तो ये हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक था सेल इनवॉइस। उम्मीद है आपका आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। स्टडी विद यासिर के साथ यासिर को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।